एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम बात करने वाले हैं JSSCGL का कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज आना चाहिए। तो लो भाई, कंप्यूटर का 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गया ऑन एडी क्लासेस ऐप। ठीक है, एडी क्लासेस ऐप पे 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे टेस्ट सीरीज आपको 10 दिन के अंदर सारे 125 का 125 टेस्ट सीरीज आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। ये जो 125 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 125 टेस्ट सीरीज है, अंतिम प्रहार है। और वनली जो है 125 टेस्ट सीरीज 149 में ये दिया जा रहा है। ठीक है, 149 में, ये वनली 149 में 125 टेस्ट सीरीज, वन टेस्ट में 20 क्वेश्चंस, क्योंकि JSSCGL में जो है 20 प्रश्न ही कंप्यूटर से है। ठीक है, तो मैंने 20 प्रश्न का सेट बनाया है, टेस्ट बनाया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ द JSSCGL 2024 के लिए। तो ये JSSCGL के 2024 के लिए जो है अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने टेस्ट सीरीज तैयार किया है। और टेस्ट सीरीज, ठीक है, करने से पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग को कंप्यूटर में कौन से सिलेबस कवर करने हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखा है कंप्यूटर का, जीके का, तो प्लेलिस्ट में कंप्यूटर जीके है फॉर JSSCGL, मैंने पूरा क्लास कराया है, वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। इन द सेम वे हम लोग उसी प्रकार से प्रश्न को करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जो है आपका तीन चीज से है यहाँ। ठीक है, एम एस वर्ड, एक्सेल और PPT, मतलब पावर पॉइंट। ये तीनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देन इसे कवर करेंगे। और एक है इंटरनेट, नेटवर्किंग, नेटवर्क, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इतना आपको कवर करने हैं एकदम जेन्युइनली, लेकिन भाई आपको ये भी मालूम होने चाहिए ना कंप्यूटर का हिस्ट्री, है ना, कंप्यूटर का हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, देन आपको कंप्यूटर के टोटल जनरेशन के बारे में पढ़ना होगा, देन आपको जनरेशन भी पढ़ लेना है, क्योंकि जनरेशन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई जो सेकंड जनरेशन था उसमें कौन सा यूज हुआ था, मेमोरी वगैरह वगैरह सारा चीज़, कितना उसका कैपेसिटी था, वो बिजली ज़्यादा खाता था, कम खाता था। ठीक है, मेमोरी के लिए कौन सा मेमोरी यूज होता था, देन ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, देन अभी हम लोग चलेंगे टेस्ट सीरीज की ओर, और पहला टेस्ट सीरीज जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग टेस्ट सीरीज वन देखेंगे JSSCGL के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक टेस्ट में मैंने जैसा कि बताया कि कितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो 20 क्वेश्चंस अवेलेबल है, जिस प्रकार से हम लोग JSSCGL का क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, और देखिए मैं थोड़ा सा और समय लूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपके टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे, देन आपका 5 टेस्ट डेमो है। ठीक है, 5 टेस्ट सीरीज डेमो ऑन एडी क्लासेस ऐप। ठीक है, आपकी 5 टेस्ट सीरीज जो है डेमो है। ठीक है, आप डेमो लगा सकते हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप पे, देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप एंड डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर, है ना, एडी क्लासेस। और एडी क्लासेस जो है इसका गोल्डन कलर है, इस प्रकार से एडी गोल्डन कलर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम भाई। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका पहला जो प्रश्न है वो क्या है, सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटर से है खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्वर्स से क्या तात्पर्य है, उन कंप्यूटर से है जो खाली डैश क्या चीज़ से जुड़ा है, कौन सा रिसोर्स प्रोवाइडर से जुड़ा है, तो क्या चीज़ से जुड़ा रहता है, नेटवर्क से जुड़ा रहता है सर्वर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ फिट बैठता है। देखिए जैसे कि बहुत सारे नेटवर्क का ये होता है, सर्वर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है।
है ना। तो थोड़ा सा पेंसिल को स्मॉल कर लेते हैं ना। सर्वर्स क्या है? तो यह एक जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये चीज़ आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब देखिए, जो कंप्यूटर उनके यूजर्स या इंटरनेट द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करता है ना, वह क्या कहलाता है? यह सर्वर कहलाता है। जैसे वैन है ना, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी नेटवर्क ही है भाई। तो वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन लैन का जल्दी बताएं, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, नेट से आप समझ जाएंगे नेटवर्क। और ये देखिए सर्वर क्लाइंट जो होता है क्या होता है? तो देखिए सर्वर क्लाइंट वह क्लाइंट, एक क्वेश्चंस और बार बार पूछा जाता है कि सर्वर क्लाइंट क्या होता है, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट, ये प्रश्न पूछा हुआ है सर्वर क्लाइंट का, तो सर्वर क्लाइंट जो करता है सर्वर आर्किटेक्चर समूह का संचालन करता है। देखिए सर्वर क्लाइंट जो काम करता है, क्लाइंट जो काम करता है सर्वर क्लाइंट, वो क्या करता है? तो इस सर्वर का है ना, सर्वर का जो आर्किटेक्चर होता है उसके समूह को संचालित करता है, संचालन का काम करता है। देन हम लोग बहुत इसके बारे में पढ़ लिए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न जो है क्या है? तो सेकंड नंबर जो प्रश्न है आपका, आर्टिफिशियल ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी कि AI, आजकल तो AI का ज़माना है भाई, किसी का चेहरा किसी में फिट करके कुछ भी वीडियो बना दिया जा रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल देन ड्यू टू AI। एंड AI समझो तो एक रोबोट है, ठीक है, जिस प्रकार से रोबोट क्या करता है ना, एक मनुष्य की भांति कार्य करने का प्रयास करता है, वो AI के ही चलते। AI में क्या होता है, जैसे कि बुद्धिमत्ता होता है ना, खोज करने की क्षमता, समझने की क्षमता AI में बहुत है। तो AI के सिस्टम से आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनें का निर्माण करने का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यस दिस इज राइट एंड यही इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग OS कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स का प्रबंध करता है, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिसोर्स का जो है वो क्या करता है? प्रबंध करता है। और मैं बात बता दूं, जैसे कि कंप्यूटरों प्रोग्रामों को सामान्य सर्विस प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को ना, CP लिख रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम को ये क्या करता है? सामान्य सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी सर्विस होता है ये सर्विस प्रोवाइड करने का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते ही कंप्यूटर चल पाते हैं, ये बात समझ में आई, ठीक है। और भी इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और आप लोग को बताना भी चाहता हूँ। जैसे कि वर्तमान में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जो GUI है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। देन जो GUI का प्रयोग आजकल बहुत होता है, जो माउस, कर्सर की पॉइंट और क्लिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। और ये GUI ही हम लोग माउस चलाते हैं ना, माउस, यहाँ एक राइट बटन होता है एंड बीच में स्क्रॉलिंग होता है, ठीक है, इधर लेफ्ट होता है। तो ये वर्क कैसे करता है? ड्यू टू GUI है ना। अब देखिए कर्सर भी, कर्सर का जो पॉइंट होता है, ठीक है, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से एरो ही होता है पॉइंट, देन ये कैसे काम करता है? हम लोग इधर उधर करते हैं तो GUI। एंड देखिए क्या होता है, और ग्राफिक्स जो डिस्प्ले करता है, GUI के कारण ही कोई भी ग्राफिक्स वो डिस्प्ले पे क्या करता है, वो दिखता है ना। जैसे कि GUI की सामान्य अगर विशेषता हम लोग बोले तो वो क्या है, विंडोज़ मेन्यूज़ और आइकन्स भी इसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये दिखता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगले चार नंबर प्रश्न है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगो, दैट्स मीन रिंग्स, ठीक है, में रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिंग क्या कहलाते हैं। कोई भी जैसे फ्लॉपी डिस्क होता है ना, तो उसमें हम लोग को फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, वही रिंग्स में, ठीक है। तो ये रिंग वो कहलाते क्या हैं, वो रिंग्स को कहते क्या हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, राउंडर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राउंडर्स, है ना, इसका सही आंसर राउंडर्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ट्रैक से जो तात्पर्य है, ट्रैक मैं बताता हूँ, ट्रैक से क्या तात्पर्य है, डिस्क पर स्थित रिंग से है। एक डिस्क है मानो, ठीक है, इस पर जी रिंग ऐसे ऐसे रहता है ना, ये सब रिंग बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। तो ये जो है ना, ट्रैक से तात्पर्य क्या है, यानी कि रिंग, ये रिंग ही क्या कहलाता है, ट्रैक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है जिस पर डाटा लिखा जाता है, और ये रिंग पर ही डाटा लिखा जाता है, जिसके कारण जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, जब सीडी कैसेट लगाते थे, डीवीडी या फिर आने लगा, देन वो क्या करता है, इस ट्रैक को पढ़ता है, देन हम लोग कोई मूवी या फिर कोई चलचित्र देख पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ होता है। अब देखिए, यहाँ एक टिपिकल फ्लॉपी डिस्क में जो होता है डबल डेंसिटी या फिर वन जो होता है, जैसे कि 80 को डबल डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है, डीडी डबल डेंसिटी, और 160 को क्या कहा जाता है, हाई डेंसिटी कहा जाता है, जो कि हाई डेंसिटी ट्रैक्स होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क के प्रत्येक जो होता है प्लेटर यानी कि ट्रैक्स में विभाजित होता है, ठीक है, और सिंगल ट्रैक लोकेशन में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ ये राउंडर्स क्लियर होता है, और राउंडर्स जो है ट्रैक ही कहलाता है। चलिए, फाइव नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। फाइव नंबर प्रश्न, यहाँ फाइव होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ फाइव होगा ना। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है, यह चित्र क्या कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूजर्स मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करता है, यह चित्र क्या कहलाता है। आइकन, थंबनेल, न्यू फोल्डर या सिंबल्स, ये क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइकन। जैसे कि कोई भी हम लोग को एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, तो यहाँ जो है म्यूजिक प्लेयर दिख रहा है, यहाँ जो है फाइल दिख रहा है, दैट्स द ऑल ऑफ द आइकन्स, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ दिखते हैं। चलिए, इसमें जो है आइकन्स का मतलब आप समझ चुके हैं, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बिट, दो बिट, दस बिट, सौ बिट्स या फिर एट बिट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो एक बीट में जो है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, आठ बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट, आठ बिट होते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका फोर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो निम्न में किसके विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में हो तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, और अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि विकास के साथ ही, किसके विकास के साथ,
ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्पानेट। ठीक है, इसको अर्पानेट कहते हैं। एंड ये जो होता है यानी यहाँ जो है अर्पानेट, इसका जो क्या होता है, यह क्या है, एडवांस्ड। अर्पानेट का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, है ना, प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा ताकि समय बर्बाद ना हो, बोल रहा हूँ आप सुनिए, ठीक है। तो इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क कहा जाता है, और यह जो है सबसे प्रारंभिक ना, सबसे प्रारंभिक जो क्या है, नेटवर्क पैकेज और प्रोटोकॉल सूट्स है, जो कि टीसीपी नहीं तो आईपी आप जानते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड प्रथम नेटवर्क था जो तकनीकी इंटरनेट की जो आधारशील बनी, और जो है यह अमेरिकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स यानी कि अर्पा के निर्देश में अर्पानेट विकसित हुआ था। और ये जो है यह अमेरिकी जो है क्या था, अमेरिकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, सबसे पहले ये क्या था, अर्पा था। और इसका जो है इसके विकास से ही अमेरिका ने ये अर्पानेट का विकास किया था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यूएसबी से क्या तात्पर्य है, यूएसबी से क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य कहने का अर्थ है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि शॉर्टकट याद करने का आसान तरीका है, उसको आप 3 बार लिखिए, आप एग्ज़ाम में कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मात्र 3 बार लिखना है। देखिए ये जो होता है ना, रटा नहीं जाता है, ये सब चीज़ें रटिए मत, जो फुल फॉर्म वाला है ये सब रटिए मत, सिर्फ आप लिखिए, ठीक है। अगर केवल 3 बार आपको लिखना है, एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली माइंड एकदम पढ़ लेगा, ठीक है, 1-2 बार पढ़ लीजिए, जितना बार लिखिएगा उतना बार पढ़ लीजिए भाई, याद मत करिए, लेकिन केवल लिखिए, आपका एक भी फुल फॉर्म नहीं छूटेगा। सबसे आसान ट्रिक, ठीक है, सबसे आसान ट्रिक ये मैं बताऊँगा, ठीक है, सबसे आसान ट्रिक है, केवल लिखिए 3 बार, याद हो जाएंगे, सही करके आइएगा। और ये जो है यूएसबी का जो है 1990 के लगभग आसपास इसका विकास हुआ था, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटरों के बीच पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन के लिए बस में प्रयोग होने वाला केबल, कनेक्टर्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को परिभाषित करता था, ठीक है। चलिए, जैसे कि यूएसबी से ही हम लोग क्या फ़ोन, मोबाइल्स एंड सी टाइप यूएसबी एंड बी टाइप्स यूएसबी आजकल आने लगा है, ठीक है, फास्ट चार्जिंग यूएसबी केबल, इस प्रकार से है ना। तो देखिए यहाँ आजकल बहुत सारे आने लगे हैं, देन आप समझ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक स्प्रेडशीट, देखिए यहाँ क्या चीज़ का बात कर रहा है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये कौन सा वर्ड, एक्सेल, पीपीटी कहाँ से प्रश्न है। एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, स्प्रेडशीट को किस में जो है व्याख्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, क्या होगा, जल्दी बताएं। 9 का सही आंसर क्या होगा, आयताकार बॉक्स, केवल पंक्ति, केवल कॉलम, या पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, ठीक है, ये वाला सही होगा, यानी कि जो देखिए ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, दैट इज द सेल, ठीक है, ये सेल हुआ। अब मैं बता दूँ कि ये जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल के अंतर्गत वर्कशीट में बने आयताकार बॉक्स से तात्पर्य होता है सेल, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग, ये प्रतिच्छेदन ही हुआ ना, है ना, तो ये आयताकार बॉक्स भी होता है, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ ये नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यही सही आंसर होगा, लेकिन इसको आयताकार बॉक्स भी कहा जाता है, अगर ये नहीं रहता तो ये आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयताकार बॉक्स से क्या तात्पर्य है, सेल से है, ठीक है, और जो कि सेल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हो गया ये हो गया एच हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गया, समझ, और इसी का प्रतिच्छेदन से हम लोग को सेल बनता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है। तो देखिए हम लोग फ़ोन को भी, ये लैंडस्केप हो गया, अगर हम लोग इस प्रकार से ना, इस प्रकार से फ़ोन को हम लोग
घुमा दिए तो, और पोर्ट्रेट इस प्रकार से खड़ा मोबाइल किए तो पोर्ट्रेट हो गया, समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है जल्दी बताएं। 10 का सही आंसर क्या होगा? पेज ओरिएंटेशन। जब आप कंप्यूटर पढ़े होंगे, और कंप्यूटर आपको पढ़ने चाहिए, जब भी आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपके सामने कंप्यूटर होना चाहिए, तभी तो आप जानेंगे मेन्यू बार कौन है, टूल बार कौन है, ठीक है, आपको आइकन्स किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये पढ़ने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली आपको करना होगा, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ, देन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पेज ओरिएंटेशन से है, और पेज ओरिएंटेशन में ही ये क्या होता है, ये चीज़ आता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर प्रश्न है, एक लाख भाग जो होता है निम्नलिखित में के किसके समान होता है? एक लाख भागवा मतलब कि 1/1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो ये किसके बराबर होता है? सही आंसर बताएंगे, सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? माइक्रो, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो। एंड देन 1 माइक्रो इज इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताइए? 10^-6 होता है, ठीक है। और माइक्रो किससे प्रदर्शित होता है? इस प्रकार से ना। अब देखिए यहाँ जो है, जो एक इसका उदाहरण के लिए अगर बोले तो एक इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है ना, उसके आकार जैसे कि 0 से कितना मीटर होता है, 0.1-2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, एन माइक्रोमीटर एक विषाणु का, इन द सेम आप समझ गए होंगे एक उदाहरण से लेकर। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है, तो एक्स का प्रयोग किस लिए? आप ये भी शॉर्टकट याद करेंगे, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो कट, यानी कि देखिए इसका प्रयोग हम लोग कट के लिए करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। जैसे कि आपको कंप्यूटर में एमएस वर्ड में इतना चीज़ लिखा गया है, और इसको अगर सेलेक्ट करके टोटल सेलेक्ट करते हैं तो ये कट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है, ये पूरा उड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कट। एंड अ कॉपी का फुल फॉर्म, ये कॉपी का ये क्या होता है, कॉपी का कमांड, तो कंट्रोल CTRL+C, ये कॉपी, कोई भी चीज़ को अगर यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, अगर क्या करते हैं कहीं दूसरे पेज में पेस्ट करना चाहते हैं, देन पेस्ट कैसे करेंगे भाई? जल्दी बताइए। तो CTRL+V ले हो गया कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट भाई, उसी फाइल का दूसरे फाइल में, कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर है, दूसरे फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+V है ना, Ctrl+V पेस्ट, यह पेस्ट करना है ना, सभी को पेस्ट बना के खा देना है, सभी देखो सभी पेस्ट बना देना है, सभी लोग पेस्ट करते हैं सुबह सुबह, मतलब कि टूथब्रश वाला, टूथब्रश के साथ पेस्ट, आपको ये याद होगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए सी, एक हमेशा आदमी गलत करता है, अगर जिनको नहीं पता है कि कंट्रोल प्लस सी कट होता है, देन इट्स नॉट एक्स ना, कट कौन कर रहा है? देखिए एक लाइन दूसरे लाइन को कट कौन कर रहा है? कट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, है ना, हमेशा याद रहनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कट, एंड द सी फॉर कॉपी, ठीक है, याद हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, विंडोज़ के बारे में, यानी कि विंडोज़ में फाइल को डिलीट करने पर फाइल कहाँ पहुँचता है? हम लोग सभी लोग जानते हैं, फ़ोन में भी डिलीट करते हैं भाई, ठीक है, अगर कोई भी फ़ोटो डिलीट कर दिए हैं किसी से, चोरी छुपे से मैंने फ़ोटो कोई भी क्लिक किया और मैंने डिलीट कर दिया भाई, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाता है डिलीट करने के बाद, तो वो बेचारा तो फंसे भाई। तो आप आज जान लीजिए कि वो कहाँ जाता है, वहाँ से भी डिलीट करना ज़रूरी होता है। तो वो कहाँ जाता है? ट्रैश में, रिसाइकल बिन में, कंट्रोल पैनल एंड कैची। तो कैची एक प्रकार का मेमोरी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा जब मैं अभी पढ़ाया हूँ, मैंने क्लास करा दिया, वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जाता है रिसाइकल बिन में जाता है, सभी को पता है। देन आपको जब गैलरी से अगर फ़ोटो डिलीट करते हैं ना, कोई फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो ना, तो गैलरी से अगर फ़ोटो डिलीट कर रहे हैं ना, तो रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दीजिए भाई, नहीं तो पकड़ा जाइएगा, ठीक है। और पकड़ाना नहीं है, हमेशा तेज रहना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न
क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, दो या दो से अधिक सेलों के एक ही सेल में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना, तो वो क्या कहलाता है। तो 14 का जो है आपका ऑप्शन ये है, स्प्लिटिंग, ज्वाइनिंग, शेयरिंग, मर्जिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम हमें सेल्स या इंडिविजुअल सेलों के निर्माण करते हैं, और इसको जो ग्रुप जो सुविधा प्रदान करता है, हम लोग इस डाटा को जो कंबाइन करने से करते हैं, वो स्प्रेडशीट की बनावट में सुधार के लिए सेलों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेल का कंबाइन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निर्देश के कार्यान्वयन, ठीक है, कि प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोई भी हम निर्देश दिए और कार्य किया तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरिंग, डिकोडिंग, फेचिंग, है ना, एक्सक्यूडिंग, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्यूडिंग कहलाता है, एक्सक्यूडिंग कहलाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले होते हैं और वो कमांड्स प्रदान करता है। निम्नलिखित में से बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं जो अत्यधिक प्रयोग होता है, मेन्यू बार, टूल बार, विंडो, एक्शन बार। देखिए आप कंप्यूटर देखिएगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि मेन्यू बार कौन होता है, टूल बार कौन होता है, विंडोज़ कौन होता है, एक्सेल बार कौन होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आप देखें, मेन्यू बार देखें आप, मेन्यू बार का, टूल बार का, गूगल से आप पिक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गूगल से पिक डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन सी एंड वॉच, ठीक है, एंड मेन्यू बार कौन है, टूल बार कौन है, टूल्स जिसमें हम लोग, जैसे कि अभी मैं ये टूल्स यूज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, टूल बार, ठीक है, यानी कि जिसे हमेशा बार बार टूल बार यूज होता है, ठीक है। जब कोई, 17 नंबर प्रश्न है, जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज की कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है। देखिए कोई जब हम ईमेल भेजते हैं तो मैसेज का जो कंटेंट होता है उसको ना वर्णन कौन करता है, सब्जेक्ट, कंटेंट, स्पैम या फिर सीसी, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सब्जेक्ट करता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, ALU निम्नलिखित में से कार्य निष्पादित करता है, तो ALU क्या कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, तो ये जो है क्या है ALU। अब ALU का प्रश्न आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, है ना, तो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक, लॉजिक यूनिट, ये चीज़। तो अर्थमेटिक से आपका ये चीज़ पकड़ा गया, हाँ ये सही आंसर है। देखिए समझ में आएगा, इस प्रकार से जब भी कोई फुल फॉर्म का आंसर आए देन आपको फुल फॉर्म में छिपा हुआ रहता है आंसर, ठीक है। अब मैं बात बता दूं कि ALU जो होता है क्या कार्य करता है, देन इट्स अ डिजिटल सर्किट, सॉरी डिजिटल सर्किट, डिजिटल, डिजिटल सर्किट, ठीक है, यह एक डिजिटल सर्किट है जो कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत अर्थमेटिक और बिट वाइज लॉजिकल्स ऑपरेशंस के संबंधित वो कार्य को निष्पादित करता है। मैं बात बता दूं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो ALU है, है ना, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि CPU का, एंड CPU, व्हाट्स द वर्किंग ऑफ द CPU, देन क्या चीज है, कोई भी जैसे कि डेटा होता है उसको पढ़ने का काम करता है, एंड देन ये शो करता है ऑन अ डेस्कटॉप या फिर कोनो लैपटॉप, लैपटॉप में तो ऑलरेडी CPU रहता है, देन उसी के अंदर, देन व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ALU के सिद्धांत का खोज किसने किया था, मैं थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में बता दूं, तो इसके सिद्धांत का जो है खोज किसने किया था, जल्दी बताएं,
देखिए, एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन, है ना, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने खोज किया था कब, 1945 ईस्वी में, ठीक है, 1945 में इन्होंने खोज किया था। चलिए 19 नंबर फाइल देखते हैं, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल किया जाता है, जबकि फाइल में देखिए इंफॉर्मेशन के अलावा और कहाँ शामिल किया जाता है, प्रिंट सेटिंग, डिलीट, डिलीशन डेट, साइज एंड क्रिएशन डेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, साइज, ठीक है, यानी कि कोई भी फाइल का इन्फॉर्मेशन के अलावा शामिल होता है साइज उसका, कि कितना साइज का है, ठीक है, कोई भी फाइल जैसे कि 10 MB का है, ठीक है, 12 MB का है, 20 MB का है, है ना, ये साइज होता है, ठीक है। चलिए 20 और लास्ट नंबर प्रश्न है, और मैं लास्ट क्वेश्चंस कराने से पहले ये पूछता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज कैसा लगा, और भी टेस्ट सीरीज आनी चाहिए या नहीं, सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ठीक है, केवल आप वीडियो ना देखें, सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको 5 डेमो क्लास मिलने वाले हैं ऑन AD क्लासेस ऐप, ठीक है। और मैं बात बता दूं कि टेस्ट 1 टेस्ट 2 इसी प्रकार से क्लास होनी चाहिए या नहीं, आप लोग सारे स्टूडेंट अपने दोस्तों को ये जोड़िए, देन ये CGL के लिए ही, ठीक है, जितने दिन भी अभी समय बचा है उतने दिन में हम लोग अभी बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और MCQ का है, तो जितना एग्ज़ाम, ठीक है, दे रहे हैं, जितना आपका अगर डाउट्स है, देन आपको MCQ लगानी चाहिए, झारखंड हो गया, ठीक है, सारे चीज़। अनसोली साइटेड मेल, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, अनसोली साइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताएं, स्पैम का प्रयोग किया जाता है, स्पैस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ईमेल स्पैस को जंक मेल, या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल, जो UBE होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, अनसोलिसिटेड, ठीक है, बल्क ईमेल, अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल, है ना। और देखिए ईमेल स्पैस को क्या कहते हैं हम लोग, जंक ईमेल भी कहते हैं। यह जो होता है, यह क्या होता है, स्पैम उपसमूह का सब्जेक्ट, यानी कि जो है यह इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का, स्पैम, ठीक है, यह स्पैम का, स्पैम ही होगा, ठीक है, यह स्पैम का समूह यानी कि सबसेट होता है, और इसे हम लोग कहते हैं UBE। एंड व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ UBE, क्योंकि देखिए ये 20 प्रश्न नहीं, आपका यहाँ 50 प्रश्न क्लियर हो गए, 20 ही नहीं बल्कि 50 प्रश्न 20 प्रश्न में। तो दोस्तों ये बताइए कि ये आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आप लोग का भी क्लियर होते जाए, ठीक है। देन ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड, ठीक है, AD क्लासेस ऐप जो है, AD लिखा हुआ है गोल्डन कलर में, ठीक है, इस पर आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओनली 149 में इतना कोर्स अवेलेबल है। चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस।